एपिसोड 161 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। वो आदमी बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है हुआ क्लैन को कहाँ पर कैद किया गया है। हालांकि डिसन माउंटेन से आता था पूरे हुआ क्लैन को कब्जा करने के लिए, लेकिन डिसन माउंटेन में उन सभी को कैद करने के लिए उतना जगह नहीं है। तो वो लोग सीनियर और कुछ एल्डर को पकड़े हुए है और बाकी के सभी लोगों को सेलेस्टियल प्रिजन में रख दिया है। वो प्रिजन का गार्ड है डिवाइन वॉरियर लोग, मेरे सिवा किसी को नहीं पता उस जगह के बारे में। चैन बोलता है, मुझे क्या पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो आदमी बोलता है, मैं नेशनल सोल का कसम खाता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। चैन, ये कंप्लीट हो गया स्पेल, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा नेशनल सोल चला जाएगा। चैन बोलता है, ठीक है। तभी चैन उसे मार डालता है और उसका आत्मा को पकड़ लेता है। वो बोलता है, हे चैन बैक्सियन। चैन बोलता है, चिंता मत करो, जब मुझे हुआ क्लैन मिल जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे फिजिकल बॉडी को तबाह करूंगा इससे पहले। वो आदमी बोलता है, ठीक है। फिर वो उन लोगों को बोलता है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, मैं हुआ क्लैन के लिए कोई भी खतरा नहीं रहने दूंगा। तभी एक आदमी बोलता है, ग्रेटर डीटी चैन, मैं ज्वाइन सेक्टर में अभी जुड़ा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, हे चैन बैक्सियन, क्या तुम पूरे टैनून के खिलाफ जाना चाहोगे? तुमने पहले ही इतने सारे लोगों को मार डाला है, तुम्हें क्या लगता है टैनून वाले तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? फिर चैन उन सभी को मार डालता है और जो लो लेवल डिसेबल होते हैं वो उन्हें जाने देता है। ये देखकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, चैन बैक्सियन तो जीत गया। चैन बोलता है, ठीक है अब चलो चलते हैं, मुझे वहाँ पर जल्दी जाना होगा, लो लेवल के सेलेस्टियल प्रिजन लोग वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। फिर हमें डिसन माउंटेन के सेलेस्टियल प्रिजन में दिखाया जाता है जो कि 10,000 साल पुराना होता है और ये लोग बहुत सारे सेक्टर को तबाह भी किए हैं और यहाँ पर लो लेवल का कल्टीवेटर लोग बहुत ही ज़्यादा होता है। इस जेल का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, यहाँ तक कि गोल्डन कोल्ड लेवल वाले बहुत ही मुश्किल से 100 साल तक जी पाते हैं और नॉर्मल कल्टीवेटर लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हुआ क्लैन को वो जेल में काम करवा रहे होते हैं। तभी एक लड़की से सामान गिर जाता है, वहाँ का गार्ड उसे मारते हुए बोलता है, हे जल्दी करो, जल्दी से खड़ी हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक आदमी चला के बोलता है, नहीं वो मेरा पत्नी है, उसे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो गार्ड उस पर हमला कर देता है और बोलता है, मरो, और सभी को चला के बोलता है, देखो यहाँ पर जो भी डिसन माउंटेन के खिलाफ जाएगा उसका यही हालत होगा। चैन बैक्सन सेक्टर लैंड में कहीं छिपा हुआ है इसलिए हम लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे, तो उसके बदले तुम लोगों को पूरा जिंदगी यहाँ पर नौकर बन के रहना होगा, जो भी धीरे काम करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वो लोग अपने मन में बोलते हैं, ये हम लोग के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे क्लैन में एक ग्रेटर डीटी है, हार मारने से बढ़िया हम लोग मर जाएंगे। फिर वो लोग गार्ड पर हमला कर देते हैं। गार्ड बोलता है, लगता है कि तुम लोगों को मरना है, और वो उन लोगों को मारने लग जाता है। तभी एक आदमी बोलता है, एक दिन हमारे ग्रेटर डीटी यहाँ पर आएंगे और डिसन माउंटेन को मारकर हमारा बदला लेंगे। गार्ड हंसते हुए बोलता है, वो डरपोक चैन बैक्सियन, वो तो कहीं सेक्टर लैंड में छिपा हुआ है, उसका हिम्मत नहीं है यहाँ पर आने का। तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लग जाता है। ये देखकर वो लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, हम लोग तो हिडन वर्ल्ड में है, यहाँ पर बिजली कड़कना तो नामुमकिन वाला बात है, लगता है कि ये दुनिया भी तबाह होने वाला है। दूसरा आदमी बोलता है, रुको वहाँ से कोई हमला कर रहा है। तभी वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, ये सेलेस्टियल प्रिजन है डिसन माउंटेन का, यहाँ पर कौन हमला कर रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि हम लोग तुम्हारे फैमिली को तबाह कर देंगे? तभी चैन अपने साथी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, ये तो हमारा ग्रेटर डीटी और होली मेडन है, ग्रेटर डीटी सही में हमें छोड़ के गया नहीं है, वो हमें यहाँ पर बचाने आ गया है। फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं, डीटी चैन, आपका हमारा क्लाइंट का बदला लेना ही होगा। गार्ड आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये तो चैन बैक्सियन है, ये बाहर कैसे आ गया, उसे रोकने के लिए बहुत सारे डीटी गए थे ना। दूसरा आदमी बोलता है, और हमें इसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिला है। चैन बोलता है, जब मैं छोड़ के गया था वहाँ पर 400 मिलियन लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 200 मिलियन बचे हैं, अब मैं तुम लोगों को इसके लिए मार डालूंगा। फिर वो सभी गार्ड को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर जनरल लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, हे चैन बैक्सियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर आ गए। चैन बोलता है, बकवास बंद करो अपना। फिर वो उसे एक ही पंच में मार डालता है। तभी एक गार्ड बोलता है, हे चैन बैक्सियन, क्या तुम सही मेडी माउंटेन को गुस्सा दिलवाओगे, इसके बाद तुम यहाँ से कभी बच के नहीं जा पाओगे। चैन बोलता है, बकवास बंद करो अपना। फिर वो उसे मार डालता है। फिर वो सभी लोग गार्ड को मारने लग जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, ग्रेटर डीटी संभल के, वहाँ पर एक डिवाइन वॉरियर है। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तभी चैन के सामने डिवाइन वॉरियर आ जाता है और बोलता है, मेरा नाम इनलोंग है, मैं डिवाइन मास्टर का 7वां वॉरियर हूँ।
फिर वो अपने स्पिरिचुअल भाला से उस पर हमला कर देता है। चैन उसके भालों को पकड़ लेता है, बोलता है सही में तुम तो बहुत ही कमजोर हो, और वो उसके भालों को तोड़ देता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है। तभी चैन उस पर मुक्कों का बारिश कर देता है और चैन के पंच खाने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। चैन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आखिरकार हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। फिर चैन उन सभी को लेकर हुआ क्लाइन की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है हे पैट्रियस हम लोग किसका साथ दे, डिसेंट माउंटेन का कि या चैन बैक्सियन का। एंसेस्टर बोलता है हम लोग किसी से भी लड़ नहीं सकते हैं, जबकि हम लोग हुआ क्लाइन के करीब है, तो हमें चैन बैक्सियन का साथ देना चाहिए। और उसके अलावा डिसेंट माउंटेन से कोई खबर आ रहा है क्या, हुआ क्लाइन वाले उनके जेल से निकल गए हैं। वो आदमी बोलता है ऐसा तो कोई खबर नहीं आया है। दूसरी तरफ चैन बोलता है मैं 7 दिन के बाद डिसेंट माउंटेन जाऊंगा और उन सभी का टाव को मैं ख़त्म कर दूंगा। तभी वहां पर जाओ आ जाती है, बोलती है हे ब्रदर हमने हुआ क्लाइन के मरे हुए लोगों को दफना दिया है और एल्डर डिंग को भी। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं उन सभी का बदला लूंगा डिसेंट माउंटेन से। फिर हमें 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन अपने कल्टिवेट से बाहर आ जाता है, बोलता है अब समय आ गया है डिसेंट माउंटेन से बदला लेने का। तभी वो लोग डिसेंट माउंटेन की ओर चले जाते हैं। जो बोलती है यही डिसेंट माउंटेन है, ये तो हेवन सेक्टर से बहुत ही अलग है। तभी कुछ लोग बातें कर रहा होता है। एक आदमी बोलता है हे तुमने सुना है क्या, ट्रेडिंग स्काई सेक्टर और कुछ ग्रेटर डीटी डिसेंट माउंटेन में आ गया है। दूसरा आदमी बोलता है ट्रेडिंग स्काई सेक्टर इसे तो डिवाइन डीटी के बेटा ने इस्टेब्लिश किया है ना, तो इसका मतलब वो भी यहाँ पर होगा। मेडिसिन गॉड और डिमन किंग पैलेस से सेक्टर लॉर्ड और एल्डर भी यहाँ पर आए होंगे ना, ये लोग तो टाउ में महारत हासिल किए हुए हैं ना। राहु भी ये सारी बातें सुन लेती है और बोलती है हे बहन तुम्हें क्या लगता है डीटी चैन जीत जाएगा। जीव बोलती है शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता ही है ना डीटी चैन कितना ताकतवर है, तुम्हें क्या लगता है वो डिसेंट माउंटेन से डर जाएंगे। और डिसेंट माउंटेन में बहुत सारे डीटी और एल्डर आ जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है तो ये है डिसेंट माउंटेन, ये तो हमारे रीइंकार्नेशन सेक्टर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी दूसरा आदमी बोलता है चैन सही में पागल हो गया है, वो अकेले ही डिसेंट माउंटेन को चैलेंज कर दिया है, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। जी बोलती है एंसेस्टर आपको क्या लगता है चैन ये बैटल जीत जाएगा। तभी वो आदमी बोलता है चैन सही में बहुत ही ताकतवर है, उसका ताकत ग्रेटर डीटी के समान है, अब उसने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को भी हासिल कर लिया है, तो मीडियम नेशनल सोल वाले तो कभी भी उसे हरा नहीं सकता है। एल्डर बोलता है तो इसका मतलब चैन बैक्सोन अभी बहुत ही ताकतवर है क्या। वो आदमी बोलता है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, ये डिवाइन डीटी पहले ही टाउ में मास्टर हासिल कर लिया है और उनके दिमाग में कोई अल्टीमेट मूव तो होगा ही, और ये सभी बातें हमारे पहुंच से बहुत ही बाहर है, चैन बैक्सोन के जीतने का चांस बहुत ही कम है। तभी वहां पर चैन आ जाता है। राहु बोलती है डीटी चैन यहाँ पर आ गया है। तभी गेट के सामने एक आदमी खड़ा होता है, वो बोलता है जो भी यहाँ पर मिलना आया है वो डिसेंट माउंटेन के रूल के हिसाब से यहाँ पर प्रेयर करेगा, फिर वो लोग 13 स्टेज को पार करके ऊपर पहुँच जाएंगे, तो वही लोग लॉर्ड से मिल सकते हैं। ये देखकर वो लोग बोलते हैं ये लोग तो ग्रेटर डीटी को गेट कीपर बनाया हुआ है। सही में डिसेंट माउंटेन का लेवल बहुत ही अलग है, यहाँ का लॉर्ड से मिलना तो नामुमकिन वाला बात है। चैन बोलता है मैं यहाँ पर प्रेयर करने के लिए नहीं आया हूँ। डीटी बोलता है तो तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा जब तक डिसेंट माउंटेन के एल्डर लोग तुमसे मिलने के लिए अवेलेबल ना हो जाए। गूस पर हमला कर देता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो एक छोटे से गेटकीपर हो और तुम मेरे मास्टर से इस तरह से बात कर रहे हो। चैन बोलता है मैं यहाँ पर 3 बजे से आया हूँ, पहला हुआ क्लाइन के सभी एल्डर को हमारे हवाले कर दो, दूसरा अपना सभी डिवाइन वॉरियर और डिवाइन सोल्जर को हमारे हवाले करो, इतने महीने से जो भी हुआ क्लाइन को परेशान कर रहा था उसके भरपाई के रूप में, तीसरा हमारे हुआ क्लाइन के सभी लोग 1000 सालों से कल्टिवेट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए डी माउंटेन को भरपाई करना होगा, अगर डिसेंट माउंटेन इसका भरपाई नहीं कर पाया तो तुम्हारे अगले जन्म तक तुम्हें इसका भरपाई करना होगा, नहीं तो मैं डिसेंट माउंटेन के सभी गेट और एलेक्सियर को तबाह कर दूंगा और जो भी डिसेंट माउंटेन से कनेक्ट होंगे मैं उन सभी को मार डालूंगा। तभी एक एल्डर बाहर आके बोलता है हे चैन बैक्सियन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सरेंडर करने का, अच्छा होगा कि तुम डिसेंट माउंटेन में झुककर माफी मांगो, हम लोग हुआ क्लाइन को माफ कर देंगे, इनके पूरे जनरेशन को हमारे बॉर्डर का गार्ड बनने का एक मौका दे सकते हैं, नहीं तो ये लोग डिसेंट माउंटेन का हाई रैंक स्लेव बन सकता है। चैन बोलता है लगता है कि तुम लोगों का मरने का समय आ गया है, अब मैं तुम सभी को मार डालूंगा, यहाँ पर कोई भी जिंदा बच के जा नहीं पाएगा।